जय माता दी, जय मां कामाख्या। कर्क लग्न के कुछ विशेष जानकारी आपको देंगे। कामाख्या वरदे देवी नीलपरतवासिनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। लग्न जो होता है, कोई भी लग्न हो, लग्न से ही अच्छे शुभ कार्य करना चाहिए। यदि लग्न के प्रारंभ में कोई भी कार्य करोगे, हमेशा संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लग्न के मध्य काल में यदि कोई कार्य करोगे तो मध्यम फल की प्राप्ति होती है, और लग्न का अंत होने वाला है और उसके पहले यदि आपने काम किया तो उस कार्य का बहुत कम फल प्राप्त होता है। यदि हम इसको दूसरे तरीके से लेकर के चले साधना सिद्धि में, तो कोई भी साधना प्रारंभ करना है तो तब करिए जब आपका लग्न का प्रारंभ होने वाला है, तो उस साधना में अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसे ही जब कोई फैक्ट्री आप चलाना चाह रहे हो, दुकान आप चलाना चाह रहे हो, मकान का उद्घाटन करना चाह रहे हो, तो यह सब चीज आपको देखना होगी कि जो उसका मालिक है उस मालिक का लग्न क्या है, और वो लग्न जब प्रारंभ हो तब ही आपको उद्घाटन करना चाहिए, तब ही साधना करना चाहिए, तभी दुकान का खोलना चाहिए और तभी मकान में ग्रह प्रवेश करना चाहिए। यदि आपने उसके विपरीत ग्रह में, शत्रु ग्रह कह लीजिए, यदि शत्रु ग्रह में आपने काम कर लिया मकान में ग्रह प्रवेश का, तो उसके अंदर मालिक जैसे ही जाएगा, वो साल भर के अंदर मालिक या तो मर जाएगा या फिर बीमार पड़ जाएगा, उस मकान का भोग नहीं कर पाएगा। लग्न से इतना बड़ा महत्व होता है। तो जो लोग ये निकालते हैं उद्घाटन का मुहूर्त, आप उन्हीं के पास जाइए। ये छोटे मोटे ब्राह्मण लोगों के पास मत जाओ जो मंदिर में सेवा करते हैं, उन्हें सिर्फ आरती करना आती, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो छोटे मोटे पंडित पुजारी लोगों से आप कभी भी ग्रह प्रवेश का मुहूर्त मत निकालवाओ। अपने बच्चों की शादी की पत्रिका मत मिलवाओ उनसे। दुकान का उद्घाटन के लिए कभी मुहूर्त मत निकलवाओ, अन्यथा वो गुरु अस्त होगा तो भी उद्घाटन बोल देंगे, खां साहब उद्घाटन का मुहूर्त है। शुक्र अस्त होगा उसके बावजूद भी विवाह करवा देंगे। इसलिए पहले, सबसे पहले यह देखें कि आपको क्या कार्य करना, जो भी शुभ काम करना है वो सब उसी लग्न में और लग्न के शुरुआत में ही करना चाहिए। और लग्न के मध्यम में करोगे तो मध्यम फल मिलेगा, और लग्न के अंत समय में यदि कर रहे हो तो बहुत कम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से मनुष्यों को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जैसे एक मकान का उद्घाटन करना, तो आपने उस लग्न में न करते हुए दूसरे लग्न के अंदर मकान का उद्घाटन कर दिया, तो उस मकान में जाते से ही मालिक को बीमार पड़ना ही पड़ना है, हो सकता है एक्सीडेंट में मौत भी हो जाए। तो आप कहोगे साहब किसी व्यक्ति ने कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी, हमारे पड़ोसी ने कर दी, या किसी हमारे मकान बनाते समय घर के अंदर किसी ने नींव के अंदर कुछ डाल दिया। और फिर आप छोटी मोटी जगह चले जाते हो, बैठक पे चले जाते हैं, तो ये जहां पे प्रेत लोग आते हैं शरीर के अंदर, वो प्रेत लोग भी मजे लेते हैं। वो कहते हैं तेरे परिवार वाले ने तेरे घर के अंदर कुछ डाल दिया, इसलिए तेरे पिताजी मर गए। अब उसके मन में एक शंका का बीज उत्पन्न हो गया, किसने डाला, तो वह अब अपने परिवार वालों से कटना चालू हो जाता है, अरे मेरे परिवार का ही व्यक्ति कोई दुश्मन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि इन प्रेत आत्माओं को ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता कि वास्तव में गलती क्या हुई। मनुष्य स्वयं की गलती से सजा मिलती। भगवान कहता मैं किसी को सजा नहीं देता, भगवान कहता है मैं किसी को सजा नहीं देता हूं, तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा, चाहे पिछले जन्म में करके आया हो या उसके भी पिछले कर्म में करके आया हो, संचित कर्म हो आपके पाप कर्म के या फिर प्रारब्ध कर्म हो आपके, तो वो फल तो भोगना पड़ेगा। और इस जन्म में भी यदि आपकी गलती से, ज्ञान नहीं होने की वजह से, गलत समय पे आपने मुहूर्त कर लिया, गलत समय पे विवाह कर लिया, गलत समय पे ग्रह प्रवेश कर लिया, यदि गलत समय पे विवाह किया होगा तो विवाह टूटेगा ही टूटेगा, चाहे पत्रिका मिल रही हो। फिर आप पत्रिका लेकर के पंडित जी ज्योतिषी लोगों के पास जाते हो, और ज्योतिषी कहते हो देखो साहब पत्रिका देखो, हमारे दोनों की पत्रिका, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, वो अपने मायके में रह रही है और अब बोल रही मुझे नहीं आना, तलाक दे रही है। तो पंडित जी पत्रिका देख के बताते हैं कि पत्रिका तो मिल रही है, दोष तो है ही नहीं,
अब उसके मन में कीड़ा बैठा दिया जाता है कि अब कुछ न कुछ किसी ने तुम दोनों के बीच में विद्वेषण की क्रिया करा दी, तुम दोनों के बीच में वैमनस्य की क्रिया करवा दी, किसी तांत्रिक से जाके मिलो तांत्रिक करेगा, और तांत्रिक को भी पैसे चाहिए तो वो कहेगा हाँ तुम्हारे ऊपर तुम दोनों के बीच में क्रिया हो गई है, अब इतने पैसे दे दो मैं क्रिया काटता हूं, जबकि होता कुछ नहीं है, क्योंकि आपने गलत नक्षत्र में गलत लग्न में गलत दिन में गलत वार में आपने विवाह किया। क्योंकि पंडित जी ने तो जो पंचांग लिखते हैं मतलब विवाह के लिए जो लग्न लिखा जाता है उस लग्न में जो टाइम दिया उसी समय पे फेरे पूरे हो जाना चाहिए, परंतु कई बार पंडित जी लिखते हैं गोधूली बेला का लग्न लिखा है, परंतु गोधूली बेला में बारात दरवाजे तक भी नहीं आती है, वो दारू पीते हुए नाचते गाते हुए 10-11 बजे तक तो वहां दरवाजे पर पहुंचते हैं, और शादी जब होती तब दूसरा दिन चालू हो जाता, वार बदल जाता, नक्षत्र बदल जाता, दिन बदल जाता, तिथि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, तो गलत नक्षत्र में गलत मुहूर्त में विवाह होता है, तो फिर दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि नक्षत्र अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा। यदि आपके विवाह उग्र नक्षत्र में हो गया, तीक्ष्ण नक्षत्र के अंदर हो गया, तो फिर निश्चित तौर से दोनों के बीच में तो तलवार खींची हुई रहेगी। इसलिए जो समय दिया जाए, ग्रह दिया जाए, मुहूर्त दिया जाए, उसी में समय पे ही करना चाहिए, और ये सब काम किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष से निकलवा लीजिए, 2-3 से निकलवा लीजिए दक्षिणा देकर के, और दोनों तीनों का जो फल आए उसको पालन करो आप, और आप उनसे पूछ सकते हो कि एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा तो आपने ऐसा कैसे लिखा, और तीसरा व्यक्ति से भी देखो तो 3 से लिखा, दक्षिणा ही तो देना पड़ेगी, बन दो, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट है आपका, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए गलत लगन में शत्रु लगन में कभी भी मकान का उद्घाटन मत करो, तो लगन का इतना बड़ा महत्व होता है। और यदि लगन आपका कमजोर है तो आप ये मान के चलें कि जैसे कुछ कुछ नदियां बरसात के समय पर ही बहती है, बाद के समय पर सूख जाती है, तो ऐसे ही कुछ दिन आपको हरियाली नजर आएगी, उसके बाद जिंदगी भर कष्ट ही कष्ट आपको महसूस होगा। इसलिए लगन को प्रबल होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अब हम चल रहे हैं कर्क लग्न के बारे में कि कर्क लग्न जिसका होता है उस मनुष्य को जिंदगी भर शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य रहेगी। कर्क लग्न वाले को बीमारी जिंदगी भर रहती, यानी उसके होश संभालना से लेकर के यानी 18 साल से लेकर के जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी अवश्य रहेगी, उसे गोली दवाई लेते रहना पड़ेगा, चाहे चर्म रोग होगा, चाहे पेट की बीमारी होगी, चाहे दांत का रोग होगा, सिर दर्द की बीमारी होगी, शरीर में टूटन की बीमारी, कोई ना कोई बीमारी अवश्य रहती है। और कर्क लग्न वाले मनुष्य स्त्री या पुरुष कोई भी हो उनके ऊपर ऊपरी बाधा का साया भी रहता, इसलिए भी उनके हाथ पैर टूटते हैं और बीमारी रहती है। तो कर्क लग्न वाले मनुष्य को हमेशा अपने इष्ट देवता की पूजा करते रहना चाहिए, कुल देवी देवता की पूजा करते रहना चाहिए। और कर्क लग्न वाला मनुष्य धोखा बहुत देता है, और ऐसा धोखा देता है जिसके अंदर की सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अचानक धोखा, मतलब जो वो पता ही नहीं चलने देता है कि कब धोखा देने वाला है। इस प्रकार से उसके वो तो अपने सहयोगियों को कह लीजिए, घर परिवार के सदस्यों को कह लीजिए, मित्र गणों को कह लीजिए, वो धोखा देता है। कर्क लग्न वाले मनुष्य से बच के रहना चाहिए, क्योंकि कर्क का मतलब होता है केंकड़ा। बिच्छू, इसलिए बीमारी से बचना चाहिए कर्क लग्न वाले को। और कर्क लग्न वाले के लिए गुरु और शनि ये हमेशा अच्छा फल नहीं देते, कहीं पर भी किसी भी जगह बैठे हो, जहां पर बैठे होंगे वहां की शक्ति को आधी कर देते हैं। कर्क लग्न वाले मनुष्य के लिए गुरु और शनि खराब होता है, ना पाप फल देने वाला होता है, तो गुरु की शांति करते हुए चलें और शनि की शांति पूरी जिंदगी भर करते रहना चाहिए कर्क लग्न वालों के लिए। और कर्क लग्न वालों के लिए बुध जो है परम पापी होता है, बुध जहां भी बैठेगा वहां के फल को तोड़ता है, वहां पे अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, चाहे उच्च का हो या वक्री हो तो भी, यानी बुध जो है परम पापी होता है, यानी वहां पे आपको कष्ट की प्राप्ति, जिस खाने में बुध बैठा होगा उस खाने के रिजल्ट को बहुत कम कर देता है।
इसलिए बुध की भी शांति कराएं, गुरु की भी शांति कराएं और शनि की भी शांति कराएं। और शांति कराने के लिए आपको जप करना चाहिए और हवन करना चाहिए। शनि जो है, शनि और सूर्य मार्केश होते हैं, ये बहुत कम व्यक्ति बताएंगे। कर्क लग्न वालों के लिए मार्केश जो होता है वह शनि और सूर्य होता है, यानी पिता पुत्र। अब मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले ग्रह, उसे मार्केश बोला जाता है। तो जब भी इन ग्रह की अंतरदशा आ जाए या महादशा आ जाए शनि और सूर्य की, उस दशा में मनुष्य को खुद स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि उस मार्केश की अवस्था में उसे कोई लाइलाज बीमारी न लगे और वो मर न जाए। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी मृत्यु भी हो सकती है, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब होता है हॉस्पिटल जाकर के वापिस आ सकता है, यानी वहां पे 2-4 लाख रुपए खर्च करोगे तब जान बचती है, इसे मृत्यु तुल्य कष्ट बोला जाता है। तो मार्केश की अवस्था आने वाली हो उसके पहले मनुष्य को महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान विधि विधान से करना चाहिए, और जिसकी पत्रिका कर्क लग्न की हो उसे मार्केश योग आने के पहले स्वयं या रोजाना 5 माला महामृत्युंजय मंत्र का खुद जप करना चाहिए, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। और गुरु, शनि और बुध, ये 3 ग्रह जो होते हैं, ये 6, 8, 12 भाव के मालिक माने गए हैं। कर्क लग्न वालों के लिए 6ठे भाव का मालिक गुरु होता है, 8ष्टम भाव का मालिक शनि होता है, और 12वें भाव जो व्यय होता है जेल यात्रा वगैरह उसका भाव का मालिक बुध होता है। तो ये 3 ग्रह बहुत खराब फल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 को हमारे इसमें दो स्थान बोला जाता है, यानी खराब घर का मालिक। यदि किसी, जैसे कि एक घर है उसके अंदर टूट फूट वाला है, कोई रहता नहीं, अंधेरा है, जाले पड़े हुए हैं, और उस घर को आदि आप खरीद लेते हो, तो जो उस घर का मालिक बनता है उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आने लगता है। इसी प्रकार से कि कर्क लग्न की पत्रिका में 6, 8, 12 भाव के मालिक गुरु, शनि और बुध होते हैं, तो ये फल खराब देने वाले बन जाते हैं, इसलिए इनकी भी शांति करा के रखना चाहिए, ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो, और शांति खुद करो तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा समय निकालें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इन 3 ग्रह से संबंधित जप करें, महामृत्युंजय का जप करें और हवन करते रहें, तो आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम होगी, अन्यथा कष्ट तो आएगा ही आएगा। कर्क लग्न का मतलब हो गया केंकड़ा, उसका चिन्ह होता है, जल तत्व की राशि है ये, और कर्क लग्न वालों को पूरी जिंदगी भर मोती रत्न धारण करके रखना चाहिए। मोती को अपनी हाथों से बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए, और मोती का यदि माला मिलती है तो मोती की माला गले में धारण करके रखना चाहिए। कर्क लग्न वालों को पन्ना कभी भी नहीं पहनना चाहिए, कर्क लग्न वालों को पन्ना कभी भी नहीं पहनना, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, और कर्क लग्न वालों को नीलम भी नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट में मौत होने की संभावना हो जाएगी। जैसे ही आप नीलम पहनोगे 2-4-8 दिन में एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, इसलिए कर्क लग्न वालों को नीलम कभी भी धारण नहीं करना चाहिए और पन्ना भी धारण नहीं करना चाहिए। बाकी आप उनकी दूसरे ग्रह की महादशा में उनका रत्न धारण कर सकते हो, पर ये 2 रत्न पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। मोती जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का शुद्ध पहन सके वह पहने, प्लास्टिक के मोती न पहने, ओरिजिनल समुद्री मोती आते हैं उनको पहनना चाहिए। और आपको कर्क लग्न वाले को, क्योंकि जल तत्व की राशि है और जल यानी कि चंद्रमा शिव जी के मस्तक के ऊपर विराजमान होता है, इसलिए आपको शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, और शिव जी का रुद्र अभिषेक अवश्य हर सोमवार के दिन या महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार अवश्य कराते रहना चाहिए। और यदि आपने अपनी जिंदगी में शिव जी का अभिषेक नहीं कराया कर्क लग्न वाले ने, तो अभिषेक कराना प्रारंभ कर दे, तो कष्ट कम होना प्रारंभ हो जाएंगे, अन्यथा जीवन में कष्ट तो रहेगा ही रहेगा, बीमारियां शरीर में अवश्य रहेगी। और बीमारी को दूर करना हो तो शिव जी के लिए आपको रुद्र अभिषेक हर सोमवार के दिन कराना है, सोमवार का आपको व्रत उपवास भी रखना है,
और शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करें, स्त्री है तो नमः शिवाय मंत्र का जप आपको करना है, या फिर ओम होम जूम सह इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, शिव की स्तुतियां हैं बहुत सारी उनका पाठ कर सकते हो, और परंतु शिव जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा आपको करना है और शिव जी को ही आपको इष्ट बनाना है ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम हो, जो कुछ भी मांगना हो कभी परेशानी में शिव जी के पास ही आपको जाना है। सोमवार का व्रत उपास करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जिस दिन व्रत उपास किया जाता है उस दिन दान अवश्य देना चाहिए, और कर्क लग्न वालों का जो नंबर होता है वो दो नंबर माना गया है, अनुकूल तारीखें उसके अंदर अंक भी दो है, और गुलाबी रंग ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए ऐसे मनुष्य को, कर्क लग्न वाले को, और कर्क लग्न वाले को कफ की बीमारी ज्यादा होती है, अस्थमा की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, क्योंकि जल तत्व की राशि है और जल तत्व ज्यादा रहता है, तो जल तत्व ज्यादा होगा तो वो सर्दी से संबंधित, ठंड से संबंधित, जल से संबंधित बीमारी देता है, तो संपूर्ण जिंदगी भर गर्म चीजों का सेवन आपको करना है, ठंडी चीजों का आपको त्याग करना है, तो आप बचे रहोगे उस चीज से। कर्क लग्न में जो कर्क लग्न का व्यक्ति होता है उसके जीवन में कष्ट भी इसलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि उसकी मेष लग्न वाले से निपटती, सिंह लग्न वाले से निपटती, धनु लग्न वाले से निपटती, मिथुन लग्न वाले से निपटती, मकर लग्न वाले से नहीं पटेगी और कुंभ लग्न वाले से नहीं पटेगी, ये उसके शत्रु होते हैं। तो इसलिए जब इतने लग्न वाले, कोई ना कोई मनुष्य तो जीवन में उसको टकराएगा, उसके मित्र भी बन सकते हैं, पार्टनर भी बन सकता है, लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, तो इन सबसे उसकी शत्रुता रहती है, तो इन सबसे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो बहुत से कर्क लग्न वाले मनुष्य मित्रता भी बहुत त्यागते हैं क्योंकि मित्रों से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि यह मेष सिंह धनु मिथुन मकर व कुंभ इन लग्न वालों से उसकी दोस्ती हो ही नहीं सकती, और यदि हो गया तो जीवन में धोखा मिलता है, इसलिए ये मनुष्यों को कर्क लग्न वालों को जीवन में कष्ट भी ज्यादा होता है क्योंकि सहयोगी व्यक्ति कम मिलते हैं इनको। और कर्क लग्न वाले का एक इंडिकेशन है, जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो, सदा बीमार रहता हो, तो मान के चले वो कर्क लग्न वाला व्यक्ति होगा, और कर्क लग्न वाला व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करता है, अक्षमाशील होता है, और द्वेषी, द्वेषी का मतलब हो गया कि वो जब समय आने पर डंक जरूर मार देगा, यानी धोखा अवश्य दे देगा, नुकसान अवश्य कर देगा आपका, इसलिए आपको कर्क लग्न वाले से दूसरे मनुष्यों को भी बचना चाहिए क्योंकि कर्क लग्न का मनुष्य धोखा देने में माहिर होता है। कर्क लग्न वाले की बस एक खासियत होती है कि जब तक वो साथ रहते हैं किसी मनुष्य के तो वो वफादार रहते हैं, परंतु जब वफादारी तोड़ते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को निश्चित तौर से धोखा प्राप्त होता है। और कर्क लग्न का जो स्वामी होता है वह चंद्रमा होता है, एक शीतल सौम्य शुभ ग्रह है ये चंद्रमा, तो चंद्रमा का सबसे ज्यादा असर मन पर पड़ता है, अतः इस राशि वाले मतलब पुरुष या स्त्री को अत्यधिक भावुक किस्म के माने गए हैं, मतलब जरा जरा सी बात में रो देना, किसी के साथ यदि प्रेम संबंध हो गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा तड़पना, भावुकता बहुत ज्यादा होती है, और दूसरों के प्रति दया भी बहुत होती है, प्रेम की भावना विशेष तौर से रहती है, और जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा एक लालसा होती है उन्हें कि हम आगे बढ़ते रहें। कर्क लग्न में उत्पन्न जातक जो है चंद्रमा से प्रभावित होने की वजह से शांत प्रकृति के होते हैं, और भावुकता का भाव होने की वजह से प्रेम स्नेह वो अच्छे से करते हैं, हमेशा भौतिक सुख प्राप्ति के लिए वो तड़पते रहते हैं और उनको मिलता भी है, बाकी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। कर्क लग्न वाले धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, आस्थावान भी होते हैं, और कर्क लग्न के व्यक्ति बहुत से व्यक्ति सम्मानी भी होते हैं,
कर्क लग्न के यदि कोई स्त्री जन्म लेती है तो उसका कंठ बड़ा होता है और गुप्त रोग कर्क लग्न वाले को अवश्य होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। यदि स्त्री कर्क लग्न में हुई तो कर्कश स्त्री होती है। कर्कश यानी वो जब भी बोलेगी, वाणी जब भी बोलेगी तो बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि दूसरे की आत्मा को दर्द होता है, तो इस वजह से उसको दूसरों से आदर व स्नेह कम मिलता है और उसको हमेशा आदर व स्नेह पाने के लिए कर्क लग्न में उत्पन्न स्त्री भूखी रहती है कि मुझे कोई आदर करे। और कर्क लग्न वाली स्त्री को विशेष तौर से सुयोग्य पति नहीं मिलता है, यानी कर्क लग्न वाली स्त्री परिवार में क्लेश का कारण होती है। इसलिए कर्क लग्न वाली स्त्री को से विवाह भी में तो सलाह दुआ नहीं करना चाहिए। और कर्क लग्न वाली स्त्री जो होती है वो कोई शत्रु उसका पैदा हो गया तो उस पर बहुत जल्दी कंट्रोल भी कर लेती है, हारती नहीं है वो। कर्क लग्न वाली स्त्री के बारे में ये बोला गया है कि पुत्रियां ज्यादा होती है, पुत्र कम उत्पन्न होते हैं, कफ की बीमारी होती है, जलोदर रोग होता है। और कर्क लग्न के मनुष्य या स्त्री पुरुष, स्त्री के बारे में यदि बात करें तो उनमें एक आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कर्क लग्न की स्त्रियों में आत्महत्या करने की या फांसी लगाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। कर्क लग्न की महिला जल विहार, नदी में नहाने की शौकीन होती है, तालाब में नहाने की शौकीन होती है, तेज चलने वाली होती है, कदम से तेज चलती है, संतान कम होती है उनकी और दिमाग उनका कूटनीति वाला होता है कि किसको कम किस समय में गिराऊं, मतलब जिसको बोलना चाहिए षड्यंत्रकारी स्त्री होती कर्क लग्न वाली। तो कर्क लग्न वाली स्त्री से मनुष्य को दूर रहना चाहिए, अन्यथा वो आपको फंसा भी सकती है। और यदि अपन वो बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में तो ईमानदारी और न्यायशीलता उन्हें बड़ी पसंद होती है, यानी कोई व्यक्ति उनके सामने झूठ बोले वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। और न्यायशीलता, न्यायशीलता का मतलब हो गया उसके अंदर एक ऐसी साहस शक्ति होती है कि वह किसी की लड़ाई झगड़े में, यानी कर्क लग्न के मनुष्य या स्त्री जो है वो न्यायाधीश बनते हुए भी देखे गए हैं। कुटिल होती है, कुटिल, अब कुटिल का मतलब षड्यंत्रकारी, और तीखी उनकी बुद्धि होती है। कर्क लग्न की महिला का हमेशा दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होता है। दाम्पत्य जीवन का मतलब घर परिवार में क्लेश अशांति अवश्य होती है, दरिद्रता तो नहीं होती है, पैसा रहता है कर्क लग्न वाली स्त्री के पास में, परंतु अशांति होती है, कलह जिसको बोलना चाहिए, पति से मनमुटाव हमेशा बना ही रहेगा। और कर्क लग्न वाली स्त्री के बारे में बोला जाता है कि 60-70% कर्क लग्न की स्त्रियां चरित्रहीन भी होती है, चाहे वो गुप्त चरित्रहीन हो, पर होगी अवश्य, या अपने जीवन में एक से अधिक विवाह उसके होते हैं कर्क लग्न वाली स्त्री के। और कई कई बार वो जब जिद्दी पे अड़ जाती है तो जो चीज करने की होती वो करके ही मानती, चाहे उसके लिए उसको नुकसान उठाना पड़े, चाहे आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, धार्मिक नुकसान उठाना पड़े या सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़े। यानी कोई भी कार्य करना हो तो वह छल, बल और कपट तीनों का प्रयोग करती है। तो ऐसी स्त्री से मनुष्य को बचना चाहिए। अब जिसका भी कर्क लग्न हो, यदि कोई व्यक्ति पुरुष अपनी स्त्री से परेशान है आज की तारीख में, तो वो पत्रिका अवश्य चेक करा ले कि कहीं कर्क लग्न की पत्रिका तो नहीं है। और यदि कर्क लग्न की पत्रिका है तो जो मैंने पहले बताया 3 ग्रह उनकी शांति करवा, हर साल शांति करवाना है।
सूर्य शनि और बुध इनकी शांति पूरी जिंदगी भर प्रत्येक वर्ष कराना है तो वो स्त्री ठीक रह सकती, अन्यथा नहीं रह सकती है। फिर भी कुछ हद तक तो कष्ट भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। और कर्क लग्न की स्त्री चाहे पुरुष कोई भी हो उससे कपट से धन हासिल करने में माहिर होती है। और जब तक पूरा धन न मिल जाए वो छोड़ती नहीं है उसको। स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है और कर्क लग्न वाली महिला को भूमि भवन और वाहन इसका सुख अवश्य मिलता है। यानी धन तो उसके पास में अवश्य रहता है परंतु पारिवारिक सुख का उसके जीवन में अभाव होता है। पारिवारिक सुख उसको मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। चाहे पति के साथ भी रहेगी तो भी उसको पारिवारिक सुख जिसको बोलना चाहिए पति का प्रेम प्यार स्नेह ये प्राप्त नहीं होता है। कर्क लग्न में अलग अलग जगह बहुत से अलग अलग ग्रह बैठते हैं, उन सब का अलग अलग विश्लेषण होता है। तो ये चीज बहुत गहराई वाली है और बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग खाने में कौन कौन से खाने में कौन कौन सा ग्रह बैठेगा अगर ये बोला जाए तो 144 सेंटेंस बनते हैं। इतना समय नहीं है कि 144 सेंटेंस बताए जाए, इसलिए कर्क लग्न वाले बस इस चीज का ध्यान रख लें। और अपने परिवार में यदि कोई स्त्री परेशान है कोई पुरुष परेशान है तो विशेष तौर से कर्क लग्न संबंधित जो शांति बताई गई है वह शांति अपने जीवन में अवश्य कर लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कर्क लग्न का जो मैं जो तीन ग्रह खराब होते हैं उनका जप तप हवन अनुष्ठान अवश्य करते रहें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पुनः कहूंगा कर्क लग्न वालों को कि नीलम भूल करके भी नहीं पहने, अन्यथा एक्सीडेंट में मृत्यु होने की संभावना होती है। और पन्ना भी नहीं पहनना चाहिए, पर दो रत्नों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।